दक्षिणामूर्तये नमः। हम श्वेताश्वतर उपनिषद का पाठ कर रहे हैं और हमने देखा था कि कुछ प्रारंभ में जगत के कारण के संबंध में ऋषि लोग मिलकर, ब्रह्मविद लोग मिलकर, ब्रह्म के बारे में विचार करने वाले मिलकर प्रश्न करते हैं और जानना चाहते हैं कि जगत का कारण क्या है। उसके बाद विचार किया, बहुत सारी बातें बताई और उसके बाद में विचार करके कहा कि एक देवात्म शक्ति है, उसके कारण सब होता है। उसके बाद में ब्रह्म चक्र का वर्णन किया, जगत चक्र का वर्णन किया। और हम बार बार कहते आए हैं कि यह ब्रह्म चक्र या जगत चक्र या संसार चक्र जिसे हम कहते हैं, वह कुछ नहीं, ब्रह्म ही है। अंत तो गत्वा वह ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। और मैंने विभिन्न प्रकार से कहा था कि दार्शनिक दृष्टि से तीन बातों पर विचार करना आवश्यक होता है। जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है और ईश्वर कौन है। जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों का क्या संबंध है। श्री रामकृष्ण बड़े अच्छी तरह समझाते थे। कहते थे कि जब बेल खाते हैं ना, तो बेल जब खाते हैं तो गूदा खाते हैं, छिलका और उसके बीज और रेशा वो सब निकाल देते हैं। तो जो मेन चीज है उसी को लेते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि बेल का वजन करो तो क्या करेंगे, पूरा बेल करते हैं ना, पूरा बेल करते हैं। खाते तो उसके अंदर से बीज, गूदा और छिलका हटाकर, लेकिन वजन करते हैं तो पूरा करना पड़ता है। श्री राम कृष्ण कहते थे कि पूरा नहीं होता, अगर केवल गूदा लोगे तो पूरा नहीं होगा। यानी ये जो जीव और जगत है, ये भी भगवान के रूप है। एक बेल से ही, एक बीज से ही तो सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उसमें गूदा भी उत्पन्न हुआ है, उसमें बीज भी उत्पन्न हो जा हुआ है, रेशे भी उत्पन्न हुए हैं और कड़ा छिलका भी उत्पन्न हुआ है। लेकिन हम सबको रिजेक्ट नहीं कर देते, जब खाते हैं तो एक चीज उठाते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। लेकिन जब फाइनली उसका वजन करना होगा तो पूरे को लेंगे। तो पहले कहते हैं खाना है तो इसको छोड़ दो, ये खोड़ बीज छिलका नहीं खाते, खा ही नहीं सकते, बीज नहीं खाते, रेशा नहीं खाते, नेति नेति, ये नहीं ये नहीं, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। उसके बाद में बेल कितना वजन का था, सब पूरा है। तो यहां पर यही बात विभिन्न प्रकार से बताई गई है। कुछ अद्वैतवादी वो कहते हैं कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, पूरा नकार देते हैं जगत को। जो विशिष्ट अद्वैतवादी कहते हैं नहीं, पूरा नहीं गए, ये जो जगत है और जीव है वो ब्रह्म के पार्ट्स, अंग है। जिस प्रकार एक शरीर है, इस शरीर के उंगलियां इत्यादि है, उसी प्रकार ब्रह्म के ये विभिन्न अंग है। तो इसको वेदांत की दृष्टि से कहते हैं, पारमार्थिक दृष्टि से एक ही सत्ता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ये विभिन्न रूप हुए। ये संसार जीव जगत ये व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य एब्सोल्यूट रियलिटी में केवल एक ही ब्रह्म है। तो हमने आठवें मंत्र को हम देखने का प्रयत्न कर रहे थे, उसमें क्या कहा है, संयुक्त में तत् क्षरम अक्षरम च व्यक्त अव्यक्तम भरते विश्वम ईशः। ईशः परमात्मा, तीन चीजें हो गई, क्या है, क्षर अक्षर और ईश। क्षर यानी जो नाश होने वाला है, परिवर्तनशील, अक्षर जो नाश नहीं होने वाला है, जीव। क्षर यानी हमारा शरीर और ये जगत,
सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सब, और अक्षर क्या है? जीव, आत्मा, सोल, नाश नहीं होने वाला। और तीसरा क्या है? ईश, ईश्वर। गीता में भगवान क्या कहते हैं? द्वा इमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदार। वह परमात्मा कहा, उसको पुरुषोत्तम कहा। दो जीव कौन से हैं? क्षर, अक्षर और परमात्मा। क्षर क्या है? समस्त प्राणी, इनके शरीर जो टूट रहे हैं भाव में, उसमें कूटस्थ जीव, और दोनों का नियंता ईश्वर। यह कहा था भरते, भरते यानी भरण पोषण करता है। दूसरा का व्यक्त और अव्यक्त, ये दो शब्द भी उसके लिए कहे, क्षर अक्षर, व्यक्त अव्यक्त, एक ही चीज। उसको इस ऐसे जगत को जो व्यक्त और अव्यक्त से मिलके बना हुआ है, अव्यक्त यानी प्रकृति, मूला प्रकृति, और व्यक्त यानी उससे जो ये पंच भौतिक जगत उत्पन्न हुआ है, इन दोनों को कौन उसको धारण करता है, रक्षा करता है, उसका भरण पोषण करता है, चलाता है? ईश्वर परमात्मा। अब अगली दो लाइन हमने नहीं की थी कल पिछली बार, इसमें कहते हैं अनिशश्च आत्मा बद्धते भोक्ति भावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हम कहेंगे। मैंने जैसा कहा कि ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में, हमारे जगत के संबंध में एक स्पष्ट धारणा, दृष्टिकोण होना चाहिए। जीव के संबंध में धारणा और ईश्वर के संबंध में धारणा होनी चाहिए। धारणा होने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, हम मुक्त होना चाहते हैं इसके लिए, और मुक्त कैसे होंगे वो भी यहां बताते हैं। वो कहते हैं यहां पर अनीशः च आत्मा भोक्तृभावात् बद्धते। यह जो आत्मा है वह ईश नहीं, हम लोग ईश्वर नहीं, ईश्वर में वो जगत का नियंता है, सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, उसमें शक्ति है, लेकिन हम क्या है? अनीश है, वी आर नॉट गॉड्स, हमारी सीमा है, लिमिटेशन है। लोग कहते हैं कि जैसा एक मैंने वो भी कहा था, वर्णन आता है उपनिषदों में ही कि भगवान ने क्या किया, उन्होंने एक बहुत सारे शरीर बनाए, और शरीर बना के भगवान तदेव तत् सृष्ट्वा, सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर गया। लोग कहते हैं कि अगर हम भगवान हैं, हम सभी भगवान हैं, हमारे भीतर भगवान है ना, चैतन्य है ना, हम सभी में ये भगवान है, तो फिर हम बुराई क्यों करते हैं? ये प्रश्न है, हम लोग भगवान हैं तो हम बुराई क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि जब जीव परमात्मा जीव के भीतर घुस जाता है तो उसकी शक्ति जो है वो सीमित हो जाती है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, बाहर जब जीव के भीतर घुस गया तब वह सीमित हो जाता है, अनिश होता है, ईश नहीं रहता, ईश्वर नहीं रहता, अनिश हो जाता है। तो यह कहते हैं अनिशश्च आत्मा, ये क्या है? माया के अधीन। श्री राम कृष्ण बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, वो कहते हैं माया एक शक्ति है ना, तो माया शक्ति जो है वो ईश्वर के तो अधीन रहती है और ईश्वर को कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जीव के और उसके पूरा प्रभाव रहता है। जैसे सांप में विष, विष भरा हुआ है सांप में, सांप का कुछ बिगाड़ सकता है क्या? विष नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को मार डालेगा। उसी प्रकार भगवान की माया
मायाधीश को कुछ नहीं कर सकती, मायाधीश का ऐश्वर्य है वो, तो माया नहीं हो उनकी तो ईश्वर क्या हुए। गंगा संसार को चलाना उनके हाथ में है, और हमारी हालत क्या है, हम उस माया के कारण कष्ट पा रहे। अनिशः अनिशश्च आत्मा बध्यते भोक्ति भावात्। वो क्या है, कैसे बद्ध हो जाता है, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, मैंने ये सब मकान बनाया है, मेरा मकान है, मैं इसका भोग करने वाला हूं, इस भाव के कारण वो बंध जाता है। और ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः, लेकिन भगवान को जानकर, ज्ञात्वा जानकर समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है। अब देखो क्या कहा, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। ये देव क्या है, देव यानी क्या, देव गायत्री में आता है, क्या है, तत्सवितुरम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व, जब तीन ये बोलते हैं यानी भूलोक, स्वर्गलोक और द्युलोक, ये जितने लोक हैं उनका जो नियंता है, जो उनमें व्याप्त है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर, वह प्रकाशवान सूर्य, भर्ग प्रकाशित, उनको याद देव धीमहि, क्या करेंगे वो, हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। वही परमात्मा जो जगत को नियंत्रण करता है, भूर्भुवस्व को चलाता है, वही हमारी बुद्धि को भी प्रेरित करता है। जो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है भूर्भुवस्व में, वह हमारी बुद्धि में भी विद्यमान है, वह बुद्धि का भी प्रेरक। तो ये कहा वह देव, उस देव को जानकर, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, गीता में भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान गीता में, कहते हैं नमाम कर्माणि लिंपन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति यो माभि जानाति यो इति माम यो भी जानाति कर्म फिर न सबध्यते। क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं नमाम कर्माणि लिंपन्ति, मुझे कर्म का लेप नहीं होता, भगवान में कर्म का लेप नहीं होता, वो जो सर्प का विष है सर्प को प्रभावित नहीं करता, भगवान जितना भी जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं उनको लेप नहीं होता, वो उनसे परे है, भगवान में कर्म का लेप नहीं होता। पहली बात, नमे कर्म फले स्पृहा, मेरे क्यों नहीं होता, क्योंकि मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं है। अगर हमें भी कर्म के फल की इच्छा न होए तो हम भी मुक्त हो जाएं। दो कारणों से, एक तो कर्म से पतन नहीं होते और दूसरे कर्म फल की प्रति स्पृहा नहीं होती, इसके कारण भगवान मुक्त रहते हैं, बंधन में नहीं पड़ते। अब दूसरी लाइन में कहते हैं इति माम यो अभिजानाति, जो मुझे इस प्रकार से जानता है कर्म फिर, वह कर्म के बंधन से नहीं लिप्त होता। ये किसी बात, बिल गेट्स अरबपति खरबपति है ऐसा यदि हम जान जाए तो हम क्या अरबपति खरबपति हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो आजकल तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मित्तल आ रहे हैं और क्या कौन कौन से हैं, बहुत अरबपति खरबपति है, तो जान गए कि फलाना व्यक्ति खरबपति है, उससे क्या मैं खरबपति बन जाता हूँ, नहीं बन जाऊ। ये तभी संभव है जब मैं और वह एक हो, बिल्कुल सवा आर्ग्यूमेंट है। जिस दिन मैंने जान लिया कि मैं देव हूं, ज्ञात्वा देवम मुच्यते, मैं देव हूं, उस दिन मैं जान गया कि मैं मुक्त हूं, क्योंकि देव मुक्त है।
वेदांत में सारी बात कहते हैं ना, अरे तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो। तो पुरंजन की कहानी में है, वर्णन आता है, मैंने सुनाई थी यहाँ पर कहानी, संक्षेप में कहूंगा, श्रीमद भागवत में कहानी है। एक राजा एक नगर में गया, नौ द्वारों वाले नगर में, वहां जाकर एक स्त्री से उसका प्रेम हो गया, उससे विवाह करके रहने लगा। फिर उस नगर के ऊपर बाहर से एक दूसरे ने आक्रमण किया और नगर को ध्वंस कर दिया, और राजा वहां से निकल गया, अपनी पत्नी को सोचते सोचते पत्नी ही बन गया, स्त्री बन गया। उसके बाद इस राजा रूपी, स्त्री रूपी राजा के साथ में दूसरे व्यक्ति ने विवाह कर लिया, वह अब भूल ही गया कि वो राजा था। उसके बाद में एक व्यक्ति कहता, अरे अरे पुरंजन पुरंजन, तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो पुरंजन हो। हाँ, ये कौन बोल रहा है, वो याद आती है उसके बाद। फिर पहचानता, अरे अरे मैं तो वो हूं, मैं भूल गया था, इसलिए मैं अपने आप को स्त्री समझने लग गया। ये बताया जाए, अरे तुम वो हो, श्री रामकृष्ण यही बार बार कहते थे, तुम मुक्त हो। और ये हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि हम जिसका ध्यान कर रहे हैं वह तू ही है, तत्त्वमसि, तुम वही हो। जिसका ध्यान तुम कर रहे हो, जिसको हम परमात्मा समझ रहे हैं, वो हम ही है। तभी तो भगवान की बात होगी, इति यो माम भजन्ति कर्मभिर्नश्यति, जो मुझे इस प्रकार से जानता है, अभी जाना थी, अच्छी तरह जानता है, वो कर्म से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भी अभी जानन्ति, यहाँ पे भी कहते हैं ज्ञात्वा, जानकर। मुच्यते सर्व पाशैहि, समस्त पापों पाश से मुक्त हो जाता है। अब ये पाश क्या, पाश बंधन, ठाकुर भी कहते थे अष्टपाश, आठ पाश, हमारे कोई बंधन नहीं है, लेकिन कैसे बंधन है, स्त्री पुत्र भाई बंधु, इनके कैसे बंधन है, कोई दिखते नहीं है, बंधन तो बांधे नहीं है। तो जानवर को बांध के रखते हैं, मॉर्निंग में मैं जब जाता हूँ यहाँ पे, तो लोग बहुत सारे यहाँ पे कुत्तों को रस्सी में बांध के उनको घुमाने के लिए सुबह सुबह लाते हैं मॉर्निंग वॉक में, बहुत सारे कुत्ते उनके बर्सी बंधा हुआ, बंधे हुए हैं वो तो। हमारे तो कोई बंधन नहीं है, लेकिन कितना लंबा पाश है, आपका पुत्र कहाँ है, बॉम्बे में है, वो उसको पता खबर आई क्या, तो तबियत ठीक नहीं है उसका, तो बीमार हो गया है, वो रस्सी ने उसे खींच लिया, कुछ लिया, कितने लंबे लंबे पाश, कितने सारे बंधन है हमारे, ये कौन से बंधन है। एक श्लोक में कहते हैं, घृणा शंका भयम लज्जा जुगुप्सा चेति पंचमी कुलम शीलम च वित्तम च अष्टपाशा अष्टोपाशा प्रकृतिता। घृणा, एक घृणा के कारण हमारा मन जो है वो किसी चीज को ठीक ठीक समझ नहीं पाता, बंधा हुआ है मन, मन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। शंका, किसी चीज के बारे में, अरे ये क्या है, कौन आदमी है, ठीक है कि नहीं है, किसी कार्य वस्तु के बारे में भय, लज्जा। श्री राम कृष्ण कहते थे शॉर्ट में, लज्जा घृणा भय तीन थकते नौ। ये लज्जा घृणा और भय जब तक रहेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए जब श्री राम कृष्ण कीर्तन में नष्ट नृत्य करते थे, और जो चुप लोग, कुछ लोग संकोच करके नृत्य नहीं करते थे, क्यों, और लोग क्या कहेंगे, अरे ये पागल हो गया, इतना जेंटलमैन है, ये इतना समझदार व्यक्ति है, ये सबके सामने ये नाचता। श्री राम कृष्ण उनको खिंचकी, चला उठ उठ, अरे लज्जा करता भगवान के नाम में कीर्तन करने में, नाच करने में लज्जा करता, उठ। लज्जा घृणा भय तीन था, जुगुप्सा छूना नहीं, किसी चीज से दूर रहने की इच्छा। फिर कुल, मैं बहुत बड़े कुल का हूं, शील, मैं जेंटलमैन हूं, और वित्त धन, ये आठ पाश, घृणा शंका भयम लज्जा जुगुप्सा चेति पंचमी कुलम शीलम च वित्तम च अष्टोपाशा प्रकृतिता। कहते हैं पाशबद्ध जीव, पाश मुक्त शिव,
ये पाश शारीरिक पाश नहीं है, मानसिक पाश है। इन्होंने हमें बांध रखा है, हमें फ्री नहीं रखा। बच्चे में ये नहीं रहता, इसलिए बड़ा फ्री है, आनंद है, कोई चिंता नहीं। और जो परमहंस होते हैं श्री राम कृष्ण जैसे, वो भी बिल्कुल फ्री, कभी बंधन नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, सर्व पाश ही समस्त पाशों से छूट जाए। और क्या है, अनिश अनिशश्च आत्मा, अनिशश्च आत्मा भोक्तृभावात्। ये भी हमने देखा, भोक्तृभाव में भोक्ता हूं, ये भोग के कारण व्यक्ति बद्ध थे। तो कितने भोग, दृष्टांत ले लें, भोग के कारण कितने लोग बन जाते हैं। मछली का दृष्टांत, वो भोग के कारण तो फंसती है, मछली फंसती है। चिड़िया खाने के भी तो जाती है, भोग के लिए जाती है, फंस जाती है। बंदर, मैंने बताया ना, बंदर को वो हाथ छोटे से उसमें डाल देते हैं, उसको ऐसा छोटा सा छेद जमीन में करते हैं, सुराही या कुछ, कि उसमें फिर दाने डाल देते हैं, बंदर हाथ डाल देता है, हाथ ऐसे तो चला जाता है। जब मुट्ठी बांध देता है तो निकाल नहीं पाता, खुद ही के हाथ से बंधा हुआ है, बन जाता है। ये क्या है, भोग के कारण, ये भोग रूपी हांडी में हमने अपना हाथ डाल रखा है, और इसके बाद अगर भोग की वृत्ति चली जावे तो हम मुक्त हैं। जो मिला सो मिला, नहीं मिला सो नहीं मिला, उसके पीछे जाकर हम फंसने फंस जाते हैं। इसलिए कहा गया है, देखें उसके बाद में, और ये भोग जहां नहीं होता है वहां मुक्ति। निद्रा में भोग नहीं होता, आत्मा मुक्त रहता है। बिना भोग के भी आत्मा वहां बनी रहती है, ऐसा नहीं कि भोग के बिना नहीं रहेगा। अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा तो आप मत समझिए कि आप मर जाओगे, आत्मा नहीं मरेगी। जब भोग की वृत्ति रहेगी उसमें आप फंसते रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कहा है ये, संयुक्त में तत् क्षरम अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः। अक्षर अक्षर, कार्य और कारण, ये दोनों मिल गए हैं, व्यक्त और अव्यक्त, और परमात्मा इसका भरण पोषण कर रहा है। आत्मा जो ईश्वर से भिन्न अपने को समझती है, अनिशह भोक्ति भाव से बद्ध होकर फंस जाती है, बद्धते। और परमात्मा को यह जानकर, ज्ञात्वा देवम, यह परमात्मा को जानकर कि मैं ही परमात्मा हूं, वह मुच्यते मुच्यते सर्व पाशै ही समस्त पाशों से बंधन से मुक्त हो जाता है। अब अगला देखें, इसी चीज को, तीन चीज मैंने बताई ना, ईश्वर जीव और जगत प्रकृति, इसको तीन प्रकार विभिन्न प्रकार से समझा रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरा विशेषण लेंगे, अज अमर, तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है जिसकी बात करेंगे, नवा ज्ञाग्यो द्वा वजा वीशनीशा वजाहे का भोक्ति भोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। वो तीनों की बात याद रखिए। एक इंपॉर्टेंट मजेदार बात यह है कि आत्मा तो मुक्त है ही, बड़ी मजेदार बात है कि आत्मा तो सदा मुक्त है, लेकिन उसको ये बाहरी दिखाने वाले बंधन और मुक्ति की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये सांख्य का सिद्धांत, बड़ा मजेदार सिद्धांत। सांख्य के सिद्धांत के अनुसार आत्मा हमेशा, जीव जो है पुरुष जो है वो चैतन्य है, निर्लिप्त है, ऐसा है, लेकिन प्रकृति के कारण वो बंधन में पड़ जाता है। ये प्रकृति क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या है, जीव के भोगापवर्गार्थम, ये सांख्यकारिका के अनुसार,
भोग और अपवर्ग, ये भोग जो है ना वो विभिन्न प्रकार के भोग जीव के करा के उसके बाद में मुक्त करा, बांधना और मुक्त करना प्रकृति का काम। क्या करती है प्रकृति, उसको एक चक्कर में लगा दे, एक बार चक्कर से घुस गए तब में सब पता चल जाए, जान जाए। भगवान क्यों चक्कर में लगा रहे हैं, ये एक ही जीव मुक्त है उसको मुक्त भी करना है फिर भी संसार में डाल रहे हैं, और उसके बाद में वो अवतार लेके आते हैं, उनको वो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, बार बार जन्म ग्रहण करते हैं। अरे भाई आत्मा तो मुक्त था ही नहीं, वो जब तक बंधन और मोक्ष की प्रोसेस में से नहीं गुजरेगा तब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेगा पूरी तरह। उसके बाद लगेगा हाँ ठीक है अब मैं जान गया, इतनी सी बात थी, एक चक्कर में से घुसना है, जो है हम तो है, अरे हम तो वैसे ही थे। उसके बाद पता चलेगा जो वृक्ष के ऊपर बैठा था वो खट्टे मीठे फल खाएगा, और अंत में जब वो वृक्ष के पास जीवी वहां पहुंचेगा तो अरे मैं तो वही था, वही होगा। तो यहां पर बहुत अच्छी बात कहते हैं, ज्ञ अज्ञ, ज्ञ और अज्ञ, और द्विवचन के लिए औ लगा दिया, तो जो संस्कृत थोड़ी सी जानते हैं ये समास कहते हैं ज्ञ अज्ञ, ज्ञ यानी जानने वाला और अज्ञ यानी अज्ञानी, दो 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 क्या है, अजो, अज यानी जन्म रहित, हाँ जन्म रहित, अजो, एक क्या है ईश और दूसरा है अनीश, ईशा अनीश होना चाहिए, लेकिन ग्रामर वैदिक ग्रामर में ईश अनीश हुआ, ईशा अनीश होना चाहिए था। तो दो है, एक अज्ञ यानी अज्ञानी और एक ज्ञानी, ये दोनों अज हैं, अमर हैं, अरे अज यानी अजन्मा है, और एक है ईश और एक दूसरा है अनिश, जो आगे अभी आ चुका है, अनिशश्च आत्मा इत्यादि। और एका ही अजा, एक अजा है फेमिनिन, स्त्रीलिंग लगा दिया, एक अजा है, अजा क्या है, भोक्ति भोगार्थ युक्ता। ये जो कहा गया ना कि भोग भोग, अगले इसके पिछले वाले में कहा था, क्या कहा था, भोक्तृभावात् बद्धते, भोग के भाव से बद्ध हो जाता है। तो एक फेमिनिन, एक अजा है जो जन्म नहीं लेती, कौन है, प्रकृति, वो प्रकृति भोक्तृभावात् युक्ता क्या है, उस एक अज को जो अनीश है जो जीव है उसको भोग की तरफ लगाती है, जो मैं अभी कह रहा था, भोग और अपवर्ग, उसके बाद मुक्त भी करेगी। और तीसरा कौन है, ये दो की बात हो रही है अभी, और एक है अज ज्ञान ज्ञाता और एक अज्ञानी जीव। अब कहते हैं अनंतश्च आत्मा, विश्व रूप अकर्ता, एक अनंत आत्मा परमात्मा है, वह है विश्व रूप, सर्वव्यापी सर्वत्र विद्यमान, जितने रूप है उसी के रूप है, सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतोक्षी शिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, उस परमात्मा के विश्व रूप सभी रूप उसी के हैं, सर्वतः पाणिपादम, जितने पैर हैं वो उसी के पैर हैं, जो वो सेंटीपीड चलता है उसके जो पैर हैं वो भी उसी के हैं, हमारे जो पैर हैं वो भी हैं, सर्वतः पाणि, हाथ भी उसी के हैं, पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षी, सब आंख उसी की हैं, सब सिर उसी के हैं, सर्वतः अक्षी शिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमत, सभी कान उसी के हैं,
सर्वम आवृत तिष्ठति, सबके अंदर आवृत होकर सबके अंदर बैठा हुआ वो छिपा हुआ है, वो है परमात्मा। कहते हैं अनंतश्च आत्मा, जिस आत्मा का कहीं अंत नहीं है, विश्वरूप वह अकर्ता है, कुछ करता नहीं। यदा त्रयम् विन्दते, जब इन तीन को जान लेता है, ब्रह्म में तत्व ब्रह्म हो जाता है। केवल एक को जानने से नहीं होगा, जो मैंने बार बार कहा, ये पूरे इतने श्लोकों का जो थीसिस है, इतने श्लोकों का जो मुख्य बात है, वो ये कह रहे हैं कि जीव जगत और ईश्वर, इन तीनों को जानना पड़ेगा। इन तीनों का क्या संबंध है, इसको जानना पड़ेगा। जब जानता है ब्रह्म में तब वो ब्रह्मा हो जाता है। क्या कहा है, पहले कहा था क्या, जीव और ईश्वर का विवेक करना है, जीव और ईश्वर एक। अभी जो कहा, इसके पहले क्या कहा था, ज्ञात्वा देवम उच्यते, ये कौन से ज्ञात, देव को जानकर, यानी मैं कौन हूं। यहाँ पर दो चीजें बताई थी ना, संयुक्त मेदत अक्षरम और क्षर, ये दो क्षर अक्षर, व्यक्त अव्यक्त, दो ही बात बताई थी। और कहा था ज्ञात्वा देवम, अपने को जानो और परमात्मा को जानो, मुक्त हो जाओ। श्री रामकृष्ण भी यहीं तक कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं तुमको ये जानना है तुम कौन हो, मैं कौन हूं, और हम दोनों का संबंध क्या है। तो एक प्रोसेस के अनुसार केवल दो जानने से ही होगा। जगत को छोड़ो, माया को छोड़ो, ये दोनों जाना जरूरत होगा, जरूर होगा। तुम कौन, मैं कौन, और इन दोनों का संबंध क्या। अब ये संबंध तीन प्रकार के संबंध, जो बहुत सुंदर ढंग से हनुमान जी ने कहा है। अब ये कहाँ का श्लोक है ये मालूम नहीं, लेकिन कहते हैं कि जब भगवान लौट कर आए लंका से, तो उसके बाद में हनुमान जी के सामने बैठे हुए थे। भगवान ने देखा कि हनुमान जी तो ज्ञानी प्रवर है, लोग जानते नहीं समझते केवल बंदर। हम लोग भगवान हनुमान जी की स्तुति करते हैं ना, उसमें है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज बल निष्कृषानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, सब जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित बंदर दिखते हैं। आप जानते हैं ना ज्ञान की बात, हनुमान जी सीता बड़ी प्रसन्न हुई सीता जी, और उन्होंने उनके गले में एक माला पहना दी। माला पहना दी तो क्या किया उन्होंने, वो दाने जो थे ना बड़े सुंदर मोतियों की माला, अत्यंत कीमती, उसको लेके दांत में से दांत तोड़ने लगे, तोड़ दिया। अरे ये तो बंदर ही है, ये सोचा था ना बेला था, हमने सोचा था क्या, ये तो बंदर, ये क्या इतने करोड़ों रुपए की इतनी सुंदर माला और सीता जी ने पहना है, उसको रिस्पेक्ट करना, वो तोड़ने लगे, तो बंदर ही है। पूछा क्यों तोड़ रहे हो हनुमान जी, क्या कर रहे हो। तो कहते हैं मैं इसमें देख रहा हूँ कि इनके अंदर राम जी राम सीता है क्या, क्यों कि मैं किसी भी चीज को राम सीता के सिवा नहीं स्वीकार करता। तुम अपने शरीर को तो प्यार करते हो, स्वीकार किया है कि हाँ उसमें राम सीता है। उन्होंने अपना सीना खोल के दिखा दिया, मालूम है ना आपको, है ना उनकी मूर्ति देखी है, फोटो देखा है। बनारस वाराणसी सेवाश्रम में आप अगर आप जाइए तो वहां पर वो अद्वैत आश्रम में, हमारे सेवाश्रम अद्वैत आश्रम वहां पर है, एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति प्रतिष्ठित है, वही वाली। और वहां पर माला लगी हुई, माला टूटी हुई दिख रही है, वही। ये है ज्ञानी श्रेष्ठ, ज्ञान नाम अग्रगण्य, सर्वत्र ब्रह्म को देखते हैं, यहाँ तक अपने शरीर को भी प्रेम इसलिए करते हैं कि इसमें सीता। तो हम कह रहे थे कि हनुमान जी से भगवान राम ने सोचा कि इनके माध्यम से लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिले। तो
अग्रे हमारे राम नाम संकीर्तन के अंत में जो प्रारंभ में स्तुतियां हैं उसके बाद है अग्रे वाचयति प्रबंधन सुते तत्त्वं मुनेन्द्रे प्रारंभ व्याख्यातम भरताभिधि सहितम रामं भजे श्यामलम। आखिरी श्लोक जो है ऊपर ओम वर्णानाम अर्थ संगानाम करके जो राम राम नाम संकीर्तन करते हैं उसमें है, उसमें यही है कि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान का एक वर्णन, कई वर्णन है वहां पर भगवान के, वो है सिंहासन में प्रतिष्ठित हैं, वीरासन में बैठे हुए हैं और हनुमान जी से भरत आदि के समक्ष तत्व को प्रकाशित करवा रहे हैं। वाचयति प्रभंजन सुते, वाचयति करवाते हैं हनुमान जी से तत्व का उपदेश करवा रहे हैं प्रश्न करके, हनुमान तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया, देह बुद्धिया तो दासो हम, जीव बुद्धिया स्वतंशतः, आत्म बुद्धिया तमेव अहम इति में निश्चिता मति। प्रभु मैं तीन प्रकार से आपको देखता हूं, क्या जब मैं अपने आप को देह समझता हूं और हम अधिकांश समय अपने आप को देह समझते, जब मैं अपने आप को देह समझता हूं तो आप देह बुद्धिया तो दास हो, मैं आपका दास हूं, आप स्वामी, ये दास भक्ति। देह बुद्धिया तो दासो हम, जीव बुद्धिया जब मैं अपने आप को चैतन्य आत्मा समझता हूं, जीव समझता हूं, एम्बॉडीड सोल, लेकिन चैतन्य त्वद अंश कह, मैं आपका अंश हूं, आप पूर्ण हैं, मैं आपका अंश, आत्मबुद्धिया त्वमेव अहम, जब आत्मबुद्धि होती है तब मैं और आप एक हो जाते हैं प्रभु, ये मेरी निश्चित मति है। अब आप कोई से भी दृष्टांत लीजिए, कोई भी सिद्धांत ले लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ये ज्ञ और अज्ञ, क्षर अक्षर, परमात्मा और जीव, इसका संबंध क्या है यह जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहां पर महत्वपूर्ण बात, इन दोनों का जो संबंध है इसको कहा गया है कि दो संबंध के माध्यम से हम मुक्त हो सकते हैं, अपने स्वरूप को जाना और परमात्मा के स्वरूप को जाना, दोनों को जानने से हम मुक्त हो सकते। अब इस अगले श्लोक में कहते हैं तीन को जानना, जीव, ईश्वर और प्रकृति। यहां पर उन्होंने जोड़ दिया, कहते हैं विवेक जो करना है, विचार करना है, जीव और ईश्वर का विवेक है, और यहां पर कहा है प्रकृति और परमात्मा का विवेक। तीन चीजें हो गई, जीव, ईश्वर और प्रकृति। ये प्रकृति जो है इसको भी अजा कहा, अनबोर्न, जीव भी अजा अज है। देखिए ये तीन चीजें हैं, तीनों अलग है, एक चीज कॉमन तीनों। एक तो है ज्ञ जो जानता है, ज्ञाता है, ईश है, ईश्वर है, वो अपने स्वरूप को जानता है, सब कुछ जानता है, और दूसरा है अज्ञ, अनजान है और अनीश है, उसमें शक्ति भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है वो, ये दो है। और प्रकृति क्या करती है, यह प्रकृति माया या जो कुछ भी करती है वो जीव को भोग में लगाती है, प्रेरित करती है, टेम्प्ट करती है, उसको लगाती है। अब कहते हैं आत्मा अनंतश्च आत्मा, आत्मा जो है वो क्या है, अनंत है, अंतरहित है, विश्वरूप है। मैंने अभी कहा विश्वरूप कैसे है, सर्वत्र सर्वाणिपादं तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम इत्यादि, सर्वत्र उसके हाथ पैर वगैरह हैं, वह सर्वत्र विद्यमान है। और उसके बाद कहते हैं यदा विन्दते, जिस समय इन तीनों का ब्रह्म रूप से जानता है ब्रह्म, यदा विन्दते ब्रह्मम, ये ब्रह्म भी संस्कृत है, डोंट वरी अबाउट दैट पोर्शन। अब जब तीनों को एक साथ जान लेता है, विश्वरूप अकर्ता, यह ईश्वर वह कर्ता भोक्ता नहीं है, वह विश्वरूप है, सर्वव्यापी है, अनंत है, वही आत्मा,
अनंतश्च आत्मा कहा, परमात्मा नहीं कहा, हमारी आत्मा ही अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वतः पाणि पादम तत् उस परमात्मा के नहीं हमारे हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद वहां भी कहा गया, पुरुष सूक्त में कहा गया है। ये है जो परमात्मा है, इसको एक बार यदि विन्दते ब्रह्म उसको जानता है कि यह ब्रह्म है, तदा ब्रह्म में तत्व ब्रह्म हो जाता है। वो मैंने कहा कैसे जानता है, क्योंकि वह परमात्मा और आत्मा एक है, ये बात है। तो इस प्रकार से यहां पर अनंत का वर्णन क्या है, सर्वत्र जो विद्यमान है, क्या है, सर्वत्र परिपूर्ण अंतरहित, जैसे सर्वत्र इस बात को कहा गया, उपनिषद में भी कहा गया है, तदे यति तन्ने यति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य तर सर्वस्य तदि सर्वस्य से, वह सर्वत्र सबके भीतर इधर इधर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अनंत केवल एक ही हो सकता है, अंतरहित वस्तु एक ही हो सकती, बहुत सारी चीज नहीं हो सकती। अब इसके आगे देखें, अनंतश्च आत्मा विश्व रूपः, वह सर्वत्र विद्यमान है, समस्त जिसके रूप है, विश्व जितना है सबके सब भगवान के ही रूप है। यदा त्रयम् विन्दते, यानी जब एक प्रकार से जान जाता है उसको, तथा ब्रह्म एतत् वह ब्रह्म हो जाता है। इसके बाद में अगला मंत्र लीजिए, उसी बात को विभिन्न प्रकार से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्षरम क्षरम प्रधानम, अब इसके बाद में ये इसी चीज को बात में, प्रधान प्रधान यानी वही प्रकृति माया प्रधान, ये सब एक ही वस्तु का नाम कर रहे हैं। तो क्या कहा, जीव और ईश्वर का भेद दिखा दिया, उसके विज्ञान से अमृतत्व हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती, यही बता दिया। अब प्रधान यानी प्रकृति और ईश्वर, इन दोनों की विशेषता क्या है, पहले जीव और ईश्वर का बताया बहुत सारा, दोनों की विशेषता क्या है और उसको दिखाने से भी अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यह बताते हैं। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हर क्षरात्मना वीशते देव एक तस्यापि ध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। क्षरम प्रधानम, प्रधान यानी प्रकृति, ये क्या है, क्षर है। वो बाद में या दो में पुरुषो लोके क्षर अक्षर क्षर यानी जो शरीर वगैरह सब बना ये मरने वाला है, ये सारा जगत जो है बाहरी वो भी मरने वाला है, नष्ट होने वाला है, विनाशशील। और अमृतम अमृत अक्षरम हरह, हर संज्ञा हर दे दिया, हर भगवान शिव के लिए नाम देते हैं यहाँ आ गया। ये उपनिषद के अंदर खास करके श्वेताश्वर उपनिषद में इस तरह के इंटरपोलेशन आ जाते हैं, कभी हर आ जाएगा, कभी विष्णु आ जाएगा, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे, कभी विभु आएगा, कभी देव शब्द आ जाएगा, उनका सबका मीनिंग एक ही है। हर हर संज्ञा जो एक क्या है, देव वो क्या है, हर अमृत अक्षर, वह अमर है, मरता नहीं है और क्षर नहीं, दो शब्द उसी के लिए का अविनाशी। वह देव क्या है, क्षरात्मना क्षरात्मनो ईशते देव एक है, यह एक देव जिसको हर भी कह सकते हैं, वह क्या करता है, क्षर आत्मनो ईशते, वही क्षर यानी प्रकृति और आत्मा यानी वही अक्षर, इन दोनों को ईशते उनको कंट्रोल करता है। मैंने बार बार उसी को हम रिपीटेडली उसी बात पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, वहां पर कहा गया है द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर, क्षर अक्षर और उत्तमा पुरुषस्तन्य, एक परमात्मा वो जब दोनों को कंट्रोल करता है, प्रकृति जीव इन दोनों को कंट्रोल करने वाला है परमात्मा। तो कहते हैं तस्य अभिध्यानात् अभिध्यान
अभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्च अन्ते विश्वमाया निवृत्ति। उसके चिंतन से, तस्य अभिध्यान, उसके चिंतन से, उस परमात्मा का एक देवता, उसी के परमात्मा के चिंतन से, उसके बाद में योजनात् उसमें मन लगाने से, अभी हम देखेंगे एक दोनों का मीनिंग अर्थ, और तत्व भावात् उसके तत्व की भावना करने से, भूयश्च अन्ते प्रारब्ध की समाप्ति हो जाती है और अन्ते विश्व माया निवृत्ति, विश्व रूप माया की निवृत्ति हो जाती है। यह है दसवां मंत्र हम देख रहे हैं, बड़े सुंदर ढंग से उसको बताया है। क्षर प्रधान, अक्षरम जीव, बार बार वही चीज मैं कई बार बोल चुका हूं, कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और एक देव हर, ये पुलिंग में दिया है, हाँ, तो एक एक देव जिसको हर कहा, जो हरण करता है, संसार के लोगों के पापों का नाश करता है, जिसको शिवजी बताया बेहतर है, लोग हम यहाँ पर हर का उपयोग किया है, वो क्या करता है, क्षर और आत्मा आत्मनौ इन दोनों को ईशन करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, इज ओके, समझ सकते हैं। तस्य अभिध्यानात्, पहले उसका चिंतन करेंगे, उसके बाद मनोयोग करेंगे और तत्व भावना करेंगे, ये तीन चीजें करेंगे। तस्य अभिध्यान, अभिध्यान का अर्थ क्या है, किस प्रकार, योजना से, अर्थात पहले आप इसको, हम तीन में जो वेदों में कहा, उपनिषद में कहते हैं, वेदांत में, श्रवण मनन और निधिध्यास, इस श्रवण मनन निधिध्यासन को ही यहाँ पर अभिध्यान, योजन और तत्व भाव की बात करें। पहला है चिंतन, उसके बारे में सुनना, विचार करना, ये प्रक्रिया है मन की प्रक्रिया, मन विचार करता है ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये बात कही अच्छी है कि नहीं, ये हम पढ़ रहे हैं समझ में आ रही है कि नहीं, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं यहाँ पर अभिध्यान का, ये मन की प्रक्रिया है जो निरंतर चंचल बना हुआ है। दूसरी प्रक्रिया है ये श्रवण की प्रक्रिया कर लीजिए, उसके बाद मनन, निश्चय कर लिया, उस पर और गहराई से विचार किया, उस निर्णय को पकड़ने का प्रयत्न किया, जिस प्रकार को मनोयोग किया, उसमें उसमें मन लगाया कि हाँ ठीक है, क्या है कि ये जो जीव और ईश्वर वो एक है, अभी जो जितनी बार 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 बात की गई है, जीव और ईश्वर एक है, भिन्न नहीं है, पहले नहीं समझ में आ रहे थे, तब हम उसको विचार कर रहे थे, परमात्मा के जा संबंध के बारे में बार बार, कितने तीन दिन तीन सप्ताह से वही चीज बार बार कह रहा हूँ, आप कहेंगे स्वामी जी आप रिपीट कर रहे हैं, कभी श्री राम कृष्ण के कहानी के माध्यम से, कभी हनुमान जी की कहानी के माध्यम से, वही एक ही बात कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जीव और ईश्वर एक। अब जब ये बात मन में ठीक से बैठ गई, जब तक नहीं बैठी तब तक वो चिंतन चल रहा है, जब मन में बैठ गई तब उसमें हमने मन लगा लिया, और उसके बाद तत्व की भावना, तत्व भावना, तत्व भावात, यानी उसको हमने अपने जीवन में उतारा। स्वामी तुरियानंद जी पूर्वाश्रम में, जिनका नाम हरि भाई था, बड़े नैष्टिक ब्राह्मण थे, इनमें दो बार तीन बार स्नान करते थे, गायत्री करते थे, वेदांत पढ़ते थे, और हाईली इंटेलेक्चुअल, वो पंचदशी पढ़ रहे थे, काफी लगे हुए थे, और श्री रामकृष्ण के पास नहीं आ पा रहे। श्री रामकृष्ण बार बार पूछ रहे थे, अरे वो क्यों नहीं आता है,
कि महाराज आजकल वेदांत में लगा हुआ है। क्यों? वो पंचदशी पढ़ रहा। अच्छा ठीक। जब वे आए तो उन्होंने श्री राम पर, ये क्या बात है, तुम बहुत दिनों से आए नहीं, क्या बात है, मैंने सुना तुम वेदांत पढ़ रहे हो। हाँ महाराज, और पंचदशी आप जानते हैं, पंचदशी वेदांत का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पंचदशी यानी 15, 15 15 जिसमें चैप्टर है, पंचदश चैप्टर वाली है, जिसमें पंचदश अध्याय है, उसको पंचदशी बोलते हैं। 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो सच्चिदानंद है ना, सच्चित आनंद, ये ब्रह्म के जो तीन स्वरूप है ना, सच्चित आनंद, तो 5 चैप्टर जो है पहले के, वो सब स्वरूप का वर्णन करते हैं अलग अलग प्रकार से, विभिन्न प्रक्रिया है। दूसरे जो 5 चैप्टर है वो चित्त का वर्णन करते हैं, चैतन्य, और तीसरे 5 जो है वो आनंद का। जैसे 5वे चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15 इसमें है, उनका नाम क्या है, ब्रह्मानंदे विषयानंद, ब्रह्मानंदे योगानंद, ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद, ऐसे चैप्टर का नाम वो आनंद। तो ये जो वेदांत, टेक्निकल वेदांत वो पढ़ते, बड़ा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक चीज है वो। तो उन्होंने, श्री रामकृष्ण ने पूछा कि अच्छा वेदांत में क्या है, यही है ना कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, की और कुछ बताओ, तो तुम तो पढ़ते हो, बताओ उसमें क्या सार, क्या यही है ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्या हमारा वही, बस चलिए इतना पढ़ने क्या आवश्यकता, उसको जीवन में उतारो। जीवन में उतारो का मतलब, जगत को जब हमने कहा कि मत मिथ्या है, असत्य है, तो उसमें इतना अभिनिवेश न हुए, इतना मन न दोवे जितना हम, बस और कुछ नहीं। संसार खबर कितना सत्य लगता है, कितना पकड़ लिया है, संसार के पीछे मरे जा रहे हैं, और है मिथ्या। अगर वेदांत आपने पढ़ लिया, उसको अगर जीवन में नहीं उतारा तो क्या फायदा। यह है निधिध्यासन, उसे जीवन में उतारना। तत्व भावात, ब्रह्म जगत मन ध्यान, गहरा ध्यान लगा कि निर्विकल्प समाधि हो गई, उसमें क्या हुआ, उसमें हमारी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो गई, ये एक हुआ तत्व भाव का अर्थ। लेकिन वह जब जीवन में उतरेगा, जब कोई मारने के लिए आया तो क्या, अरे जो मार रहा है वो मैं, श्री राम कृष्ण की कहानी है। ये एक साधु थे, तत्वज्ञानी थे, कोई जा रहे थे भिक्षा के लिए, एक जमींदार उसके अपने नौकर को या कोई गरीब आदमी उसको मार रहा था, इनको बेचारी दया आई, वो बीच में पड़ गए, तो इसने इनके ऊपर ही गुस्सा उतार दिया, बेहोश हो गए। लोगों को पता चला, पहुंचे उनके पास, उठा के लाए, पंखा वंखा झला, मुंह में पानी डाला, किसी ने आंखें खोली, देखिए देखो पता तो लगा, उनको कुछ होश आया कि नहीं, पहचानते कि नहीं, कि महाराज जी, हाँ आंख खोली, मैं कौन हूं, पानी जो डाल रहा था मुंह में, ये पानी कौन दे रहा है मुंह में, क्या, जिसने मुझे मारा था, जिसने मुझे मारा था और जो मुझे पानी दे रहा है वो एक, वही ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान। ये हुआ तत्व भावात। तीसरी प्रोसेस, अभिध्यानात योजना तत्व भावात भूया च अंते, और पुनः अंत में, अंत में क्या कर रहे हैं, किसके अंत में, प्रारब्ध के अंत में, इस प्रकार से क्या होगा उसके बाद में, तत्व ज्ञान के बाद में क्या होगा, आप जीवन में रहते रहते मुक्त हो जाएंगे, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। शरीर का क्या हुआ, वो तो चलेगा, शरीर तो रहेगा, क्यों, प्रारब्ध तक, जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक शरीर चलेगा, अंते प्रारब्ध के अंत में विश्व माया निवृत्ति, ये विश्व रूप माया से पूरी तरह निवृत्ति हो जाएगी, जिसे कहते हैं विदेह मुक्ति।
तो इस छोटे से एक इसमें वही चीज देखिए, आप तीन श्लोकों में, आठवें नवे दसवें श्लोक में उसी चीज को बताया गया है बार बार। पहले में बताया था अक्षर अक्षर संयुक्तमेतम शरक्षरम, आठवें में देखिए, व्यक्त अव्यक्त और ईश। उसके बाद में नवे में ज्ञो अज्ञ ज्ञ अज्ञ ईश अनीश और एक अजा प्रकृति, और अनंत तीनों को जो जान लेता है ब्रह्म के रूप में वो ब्रह्म हो जाता है। और यहाँ पर भी क्षर प्रधान अमृत अक्षर हर, ये तीन, इन तीन श्लोकों में उसी चीज को विभिन्न प्रकार से बार बार बताने का प्रयत्न किया गया। ये चीज दूसरे उपनिषदों में नहीं मिलेगी, वहां पर केवल आत्मा के स्वरूप का ही विस्तार से वर्णन है या फिर परमात्मा का स्वरूप का वर्णन है। लेकिन यहाँ पर तीनों का वर्णन और तीनों का क्या संबंध है, किस प्रकार से उससे हम मुक्त हो सकते हैं, बड़ी सुंदर ढंग से बताया गया है, जिसे हमने देखने का प्रयत्न किया। और उसके बाद में अगले और देखेंगे आगे वो परमात्मा को जानना, और उसके आगे की जो चर्चा है वो अगली बार करें। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।